दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग देखते हैं कि कैसे एक आदमी भागता हुआ आता है और उसका एक ब्लैक कलर का जो जर्मन शेफर्ड है वो लोमड़ी से लड़ाई करता है मालिक को बचाने के लिए। आप जानते हैं दोस्तों जो लोमड़ी होती है ये नॉर्मली कुत्तों से भिड़ती नहीं है, अगर वो लार्ज ब्रीड के जो कुत्ते होते हैं खासकर उनसे। हालांकि छोटे कुत्तों पर ये अटैक कर सकती है लेकिन लोमड़ी ज़्यादातर बड़ी ब्रीड के कुत्तों से नहीं भिड़ती है क्योंकि उसको भी अपनी जान का खतरा होता है और उसको भी ऐसा लगता है जो छोटी डॉग ब्रीड है उससे वो भिड़ सकती है लेकिन बड़े डॉग ब्रीड से भिड़ना उसके लिए भी मुश्किल होता है। खास करके जैसे जर्मन शेफर्ड हैं या रॉटविलर हैं या जो बड़ी वाली जो ये ब्रीडें होती हैं ये फॉक्स को भी फाड़ सकती हैं। इसलिए जैसे वीडियो में आप देख रहे हैं कि दो कुत्तों ने मिलकर इस फॉक्स को फाड़ दिया है। यहाँ पर हम देखते हैं जो फॉक्स है ये एक वाइल्ड एनिमल है और हर कुत्ता वाइल्ड एनिमल से लड़ने के लिए सक्षम नहीं होता है, कभी कभी फॉक्स भी भारी पड़ सकता है। अब जो फॉक्स है नॉर्मली वो अटैक नहीं करता है, कभी कभी फॉक्स में क्या होता है ना जो रेबीज़ नाम की जो बीमारी होती है अगर इनको ये हो जाए तो फिर ये आदमी में कुत्तों में ये किसी में भी अटैक कर सकता है और ये बहुत खतरनाक बीमारी होती है। चलिए वापस आते हैं आज के वीडियो में। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो आदमी है कुत्ते के पीछे चले जाता है। ये कुत्ता एक जर्मन शेफर्ड है ब्लैक कलर का और वो कुत्ता पूरी तरह से अपने मालिक को प्रोटेक्ट करने लगता है। यहाँ पर इसके बाद वो मालिक जो है उसका एक साइड में चला जाता है और जो फॉक्स है अब उसका ध्यान भटककर कुत्ते में आ गया है और इसके बाद हम देखते हैं कि वो फॉक्स जो है वो कुत्ते को बार बार अटैक करने की कोशिश करता है लेकिन डॉग अपने तरफ को उसको आते हुए देख या तो वो पीछे को हो जाता है या फिर उसमें अटैकिंग पोजिशन में आ जाता है। यकीनन ये डॉग जो है ये पूरी तरह से उसका ध्यान भटकाना चाह रहा है और वो फॉक्स जो है ऐसा लगता है इसको रेबीज़ हुआ है, नहीं तो फॉक्स कभी इतना बड़ा रिस्क लेता नहीं है लोगों पर अटैक करना, ये फॉक्स ज़्यादातर नहीं करता है। तो हम देखिए जैसे ये जो डॉग है जो जर्मन शेफर्ड है ये अभी अंदर को चला गया और फिर इसने अटैक किया है, उसके बाद ऐसा ये दो तीन बार और करता है, इससे फॉक्स का मन हट जाता है और वो चला जाता है और इस तरह से ये जर्मन शेफर्ड अपने मालिक की जान बचा लेता है। और इस वीडियो के में हमें ये भी पता लगा है कि इसके बाद इस जो जर्मन शेफर्ड है इसको अगले ही दिन वैक्सीनेटेड भी किया गया था जो रेबीज़ वाला जो वायरस होता है उससे। तो दोस्तों मुझे बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी, अगर पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।